कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा और क्राइम प्रभारी अभिमन्यु मल पुलिस बल के साथ क्षेत्र के लखनऊ मार्ग स्थित अतरधनी के निकट एक जंगल में जाते संदिग्ध बाइक सवार देख लिया, पीछा किया और थोड़ी देर पर ही पुलिस देख बाइक सवार समेत तीन साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने गोली चलाई और युवक के पैर में लगते ही उसके तीन साथी फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में कटा हुआ गोवंश, जो कि लगभग 4 क्विंटल है, और गोवंश काटने वाला चापर, चाकू, खाली पन्नी सहित एक जिंदा गोवंश, दो मोटरसाइकिल और एक घायल युवक के पास से एक तमंचा, 3 खाली खोखे और 1 जिंदा कारतूस मिला है। उच्च अधिकारियों की सूचना पर मौके पर अन्य थानों की भी पुलिस मऊजूद रही। क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ में बताया कि फरार गोकक्षों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 20 जून 2021 की रात में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बांगरमऊ पुलिस गश्त कर रही थी, तभी कोतवाली प्रभारी बांगरमऊ को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकसी कर रहे हैं। सूचना पाकर इंस्पेक्टर क्राइम को साथ लेकर कोतवाली प्रभारी बांगरमऊ द्वारा घटना मौके पहुंचे तो वहां पुलिस को आते देखकर उन लोगों ने पुलिस से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भी फायर किया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंचकर ये पता चला कि 3 लोग भाग गए। मौके से 1 अवैध तमंचा 12 बोर का, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 1 चापड़, 2 चाकू, 1 चाकू तेज करने वाला पत्थर, 1 तराजू, 1 किलो का बाट, 3 मोबाइल फोन, 6 छोटी नायलान की रस्सी, लगभग 4 क्विंटल गोमांस और 1 जीवित गोवंश बरामद हुआ। घायल को रात में सीएससी बांगरमऊ लाया गया जहां से उन्हें जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया। आगे विधिक कार्रवाई करके कार्रवाई की जा रही है। जो 3 लोग भागे हुए हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।